So it's a sad moment for us as well as a moment for Jua too, because formally we are meeting in the classroom situation perhaps last time. We shall be meeting in other deliberations for the classroom situation. We are meeting last time. So the lecture we have decided to deliver has been named as farewell lecture. And this farewell lecture is more important because you all are the students of the batch 2015 and 17. That is a historic batch in the sense this is the first batch for 2 years B.Ed. program. The topic of today's lecture is teacher and effective communication. Before the start of the lecture, I shall put a question before you. You must have gone through these concepts either in some papers or most probably in method papers. What are the qualities for a good teacher? Any one of you? जो बताना चाहता है बताओ कि एक अच्छे शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए. Yes, it must be an effective communicator. Number one. और yes, और कोई और कुछ? Best use of teaching aid. Teaching aid का ज्यादा use करना चाहिए. और अपने विषय का पूरा ध्यान. वेरी राइट. आई एज ए टीचर एजुकेटर कंसीडर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ओनली सेकेंड टू द सब्जेक्ट नॉलेज, बिकॉज विदाउट हैविंग द ऑप्टिमम सब्जेक्ट नॉलेज यू कैन नॉट इमेजिन ए गुड टीचर. सो टेक्नोलॉजी और एनी टेक्निक्स और ट्रिक्स और मेथड्स आर सेकेंडरी टू सब्जेक्ट नॉलेज. सो दैट यू हैव टू एक्वायर. And the second I consider most important for a effective teacher is effective communication. So today we shall start and talk of effective communication. So in order to effective communication, we shall define communication. Though in the coming slide we will be able to define effective communication, but you must understand how communication process takes place. There is a sender. In the classroom situation, you can consider teacher. There is a receiver, medium, and message, the content matter. When a sender forwards any message to receiver, and receiver receives, and the sender comes to know that the receiver has received the message in the way it was forwarded, only then the process of communication complete. मतलब यहां से sender कहता है, receiver receive करता है, और जब receiver के receive करने की सूचना sender को मिल जाता है तभी communication के process को complete समझा जाता है. ये नहीं कि यहां से forward कर दिया तो communication कंप्लीट हो गया. यहां तुम देख रहे होगे कि ये लिटरल मीनिंग कम्युनिकेशन को कैसे डिफाइन किया गया है, और इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो शेयरिंग ऑफ आइडिया, थॉट, फीलिंग और इंफॉर्मेशन विथ अदर्स. सो दिस इज द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन एज इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम सम वर्ड्स. यू कैन गो थ्रू इट. दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट इट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन. In order to explain communication, I would like to quote a old song, which was perhaps song sang by Muhammad Rafi. ये वादियां ये फिजाएं बुला रही हैं तुझे, खामोशियों की सदाएं बुला रही हैं तुझे. Do you know the meaning of सदाएं? सदाएं का आवाज मतलब होता है खामोशी.
खामोशियों की सदाएं, मतलब खामोशी की सदाएं मतलब आवाज, तो खामोशी की भी आवाज होती है। जैसे हम लोग अपने स्किल के कम्युनिकेशन में हम लोगों ने देखा कि वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब जैसे ही नॉन वर्बल को हम लोग बात करते थे तो ये हाथ हिलाना, ऐसा नाराजगी व्यक्त करना, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन तो है ही, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द क्लासरूम ट्रांजेक्शन टू। दूसरी बात, जब हम लोग कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे तो उस समय तुमको पॉज का भी महत्व समझाया गया था। yes. हम लोगों ने एक स्किल का स्टिमुलस वेरिएशन स्किल की चर्चा की थी और इसमें बताया था कि आदमी कहता है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, और जब आदमी उसको इस रूप में कहता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, तो ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। सो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, सो यू आर यूजिंग सम स्किल। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने के लिए बहुत सारे उपाय हैं जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। यहां हम लोगों ने समझा कि कम्युनिकेशन होता क्या, इट इज अ टू वे प्रोसेस, नॉट वन वे प्रोसेस, एंड इट हैज टू बी टू वे प्रोसेस इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव। इफ इट इज नॉट टू वे, इट इज नॉट ए कम्युनिकेशन, एंड इफ इट इज नॉट ए कम्युनिकेशन, हाउ इट कैन बी इफेक्टिव। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाई डू वी कम्युनिकेट, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, यू कैन गो थ्रू इट, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सोशलाइजेशन, इंटरटेनमेंट, मोटिवेशन, पर्सुएशन, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। सो नो नीड टू एक्सप्लेन दीज डिस्टिंक्ट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। दो सम फंक्शंस मे नॉट बी एज इंपॉर्टेंट एज वी कंसीडर फॉर क्लासरूम ट्रांजेक्शन, बट इन सम वे और अदर दीज फंक्शंस आर इंपॉर्टेंट। एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इट हैज टू बी, विदाउट इट कम्युनिकेशन कैन नॉट बी डन। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, वी आर एजुकेटिंग इन सम वे और अदर, एंड दिस इज सोशलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन गोज ऑन बट इट टेक्स टाइम। Entertainment is very much important, and this is also important for effective communication, whether your students are participating in the classroom transaction or not. If not, they are not motivated, they are not interested, and if they are not interested and motivated, they are not entertaining, the basic purpose of communication is defeated. And if the purpose of communication is defeated, how it can be effective? So these are also some important functions of communication. You understand it better. So we shall move forward. This is the most important slide, because in this slide we have discussed different types of communication we usually use in our classroom transaction. You can see here, it has been categorized in two types, two categories you can say. One is A and one is B. A is not so much important, as it has been given very little weightage in the slide 2. Speaking, listening, visualizing, observing, speaking and listening, visualizing and observing, writing and reading. These are interrelated. And the another category is intrapersonal. Do you know, understand the meaning of intrapersonal? Anyone? Self-communication. Self-communication, you can say. Matlab, if you are communicating to yourself. जैसे एक method की चर्चा हम लोगों ने की थी psychology में, तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा psychology के student खास के, introspection. Introspection में क्या होता है कि आदमी अपने को सब्जेक्ट मान के अपनी फीलिंग्स, अपने सेंटिमेंट्स, अपने इमोशंस, अपने को एक खास सिचुएशन में, एक खास परिस्थिति में रख के सोचता है कि मेरे बिहेवियर में कैसा परिवर्तन आ रहा है, मतलब अपने को सब्जेक्ट मान के स्टडी करता है। तो यहां भी है कि इंटरपर्सनल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रापर्सनल। इफ ए पर्सन इज कम्युनिकेटिंग टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ, द
That is a type of communication that is intrapersonal. But the most important is interpersonal. Interpersonal means between two persons. If we are communicating, it is interpersonal. And if we move forward, there is group communication. This is a group communication, though it is an interpersonal too. Interpersonal communication में जब आदमी की संख्या बढ़ गई तो क्या हो गया? Group communication हो गया. And the most important mass communication, जिसका इस्तेमाल आमतौर पे classroom transaction में नहीं होता है, वो media के माध्यम से हम लोग communicate करते हैं, अखबार के माध्यम से communicate करते हैं, या बड़े-बड़े मंच से जो भाषण दिए जाते हैं, वो mass communication. तो उसका भी इस्तेमाल हम लोग classroom transaction में कम ही करते हैं. These two are very important. And you must understand, in order to understand the effective use of ICT, information and communication technology. Number one is contiguous, and the opposite of contiguous is non-contiguous. Let us understand what is contiguous. Proximity, matlab nazdiki. If we are interacting, we are very close to each other. मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच की दूरी क्या है? न के बराबर है, कम है. जैसे क्लासरूम ट्रांजैक्शन, यू कैन गो थ्रू दिस स्लाइड एंड कम टू अंडरस्टैंड प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर. दिस इज अ कंडीशन. डायरेक्ट टच विद स्टिमुलस एंड रिस्पांस, सॉरी सेंडर एंड रिसीवर. एंड एग्जाम्पल क्लासरूम, ये जो हम लोगों का है, ये कैसा कम्युनिकेशन है? कंटिग्यूअस है. क्यों कंटिग्यूअस है? क्योंकि सेंडर और रिसीवर के बीच की दूरी वेरी राइट. एंड द अपोजिट इज नॉन कंटिग्यूअस, वेयर द लार्ज नंबर ऑफ डिस्पर्स्ड लर्नर्स आर कनेक्टेड विथ डिफरेंट मीडिया. एग्जांपल्स आर गिवन हियर. नो डायरेक्ट टच इन एस एंड आर, सेंडर एंड रिसीवर, रेडियो, टीवी एक्सेट्रा. मतलब कि सेंडर और रिसीवर के बीच की दूरी यदि ज्यादा है तो उस कम्युनिकेशन को नॉन कंटिग्यूअस कहेंगे. मान लो कि हम यहां यदि कोई लेक्चर दे रहे हैं और यदि दूसरी जगह भी इसको सुना जा रहा है, तो वहां सेंडर से रिसीवर की दूरी बढ़ गई है, और चूंकि सेंडर से रिसीवर की दूरी बढ़ गई है, इसका सीधा मतलब क्या हुआ? ये कैसा है? नॉन कंटिग्यूअस है. अब तुम लोग कर सकते हो यूज की कौन सा कम्युनिकेशन हमारा कौन सा नॉन कंटिग्यूअस है. दी अनदर कैटेगरी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंक्रोनस. एंड दी अपोजिट इज असिंक्रोनस. सिंक्रोनस में क्या है? पार्टिसिपेंट. जैसे अभी क्रिकेट का मैच चल रहा था कुछ दिन पहले, तो क्रिकेट के मैच में क्या होता है, जब बैट्समैन बॉल को जिस समय खेलता है उसी समय हम देखते हैं, तो वो लाइव कम्युनिकेशन उसको बोलते हैं, लाइव टेलीकास्ट. और कभी कभी क्या होता है कि जब मैच खत्म हो गया तो जो लोग नहीं देख पाते हैं वो भी शाम में देख पाते हैं. कैसे देख पाते हैं? हाईलाइट्स देखते हैं. तो हाईलाइट्स क्या हो गया? उसमें जिस समय कम्युनिकेशन का प्रोसेस हो रहा है, जिस समय इवेंट्स हो रहा है, उस समय आदमी उसी समय देख ले रहा है. तो देखो यहां कह रहा है कि पार्टिसिपेंट इन द कम्युनिकेशन एक्टिविटी आर प्रेजेंट इन रियल टाइम एट सेम टाइम. मतलब व्हेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज गोइंग ऑन एंड द रिसीवर्स आर present at that particular period of time, then the it is a communication known as synchronous communication. Some examples are already workshop. We are communicating. तुम लोगों ने workshop किया है, workshop में, और फिर radio, TV, broadcast वगैरह जो होता रहा था, हमने अभी live telecast का example. Generally, usually, जो education के communication, मतलब education में जो communication होते हैं, खास के यदि किसी media से हम किसी दिखाते हैं, तो क्रिकेट की तरह या और भी स्पोर्ट्स के मैच की तरह उसका जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत सिंक्रोनस नेचर का नहीं होता है. जनरली रिकॉर्डिंग ही ज्यादा लोग देखते हैं. बहुत यदि कोई स्पेशल लेक्चर होता है, जैसे तुम लोग देखते हो कि स्पेशल लेक्चर हो रहा है, लेकिन बाद में उसी स्पेशल लेक्चर को यदि डाल दिया गया कहीं, बाद में देखते हैं, तो वो सिंक्रोनस में नहीं आएगा. सिंक्रोनस में अभी जो हमारा कम्युनिकेशन ये भी आ सकता है. असिंक्रोनस इज जस्ट रिवर्स टू सिंक्रोनस. साइमल्टेनियस प्रेजेंस ऑफ लर्नर्स आर नॉट नीडेड. इट
कैन टेक फ्रॉम डिस्टेंस लर्नर्स कंट्रीब्यूट देयर ओन पेस एंड टाइम लेटर्स बुलेटिन ब्रोशर्स इलेक्ट्रॉनिक मेल। मतलब क्या है इसमें, मतलब कि बाद में देखते, जिस समय कम्युनिकेशन का प्रोसेस चल रहा है रिसीवर कम्युनिकेटर तो कम्युनिकेट कर दिया, बाद में उसको देखते। जैसे हमने एग्जांपल दिया रिकॉर्डिंग वगैरह का, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, असिंक्रोनस। हम समझते हैं कि बातें क्लियर हो रही हैं, सिंक्रोनस क्या है असिंक्रोनस क्या है। जैसे टेली कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह के माध्यम से भी हम लोग करते हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, यदि टेली कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब है कि दो हिंद जोड़ दिया, मान लो कि ये लेक्चर हम पटना ट्रेनिंग कॉलेज की में डिलीवर कर रहे हैं और बिहार के 20-25 ट्रेनिंग कॉलेजेस को हमने जोड़ दिया इस लेक्चर को सुनने के लिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। लेकिन टेली कॉन्फ्रेंसिंग में वो लोग भी अवेलेबल, मतलब जिस समय कम्युनिकेशन का प्रोसेस चल रहा है वो लोग भी टेली कॉन्फ्रेंसिंग से कम्युनिकेशन के प्रोसेस का पार्ट अपने को बनाया है, तो ये कम्युनिकेशन कैसा हो जाएगा, सिंक्रोनस हो जाएगा। और ये जैसे देखते हो अभी जो ओपन सिस्टम वगैरह में कभी कभी टाइम दिया जाता है, उसमें क्या होता है, होता क्या है कि कुछ प्रश्न के माध्यम से आप पढ़ लीजिए, तो प्रश्न पूछा कैसे जाएगा, प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। मान लो कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एक प्रोग्राम कराती है और उसको मुजफ्फरपुर के स्टूडेंट पूछना चाहते हैं नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के सेंटर पे जो एक्सपर्ट है उनसे, तो प्रश्न पूछेंगे कैसे, मेल से तो डायरेक्ट नहीं होगा, टेली कॉन्फ्रेंसिंग से सर, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा नहीं है तो क्या होगा, फोन से, फोन से, वेरी दैट। तो फोन क्या यहाँ काम कर रहा है, मीडिएटर का, मतलब इन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर देयर इज अ मीडिएटर दैट इज टेलीफोन, और इसीलिए यहाँ एग्जांपल में देखो लिखा हुआ है मीडिएटर और अ डायरेक्ट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो मेडिएटेड कनेक्टेड विथ सम मीडिया, मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये यूज किसी का होता है, किसका, टेलीफोन का। तो टेलीफोन मेडिएटेड कम्युनिकेशन, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, क्योंकि डायरेक्ट कम्युनिकेशन में क्या है, फेस टू फेस, वी आर फेस टू फेस, एंड नॉन मेडिएटेड ट्रेडिशनल टीचिंग, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल टीचिंग। सो डायरेक्ट टीचिंग, सॉरी डायरेक्ट कम्युनिकेशन एंड mediated communication, this is all about communication and its type. In the process of communication there are four elements, as we have already pronounced in the beginning of the lecture, ki ek sender hai jisko source aur encoder keh rahe hain, message hai jo baatein kahi jayengi, jo learning material jisko tum keh sakte ho, aur phir medium hai, और ये फिर रिसीवर। एक चीज और, सेंडर रिसीवर मीडियम मैसेज को तो सभी लोग कम्युनिकेशन प्रोसेस का एलिमेंट मानता है, लेकिन कुछ लोग का मानना है कि बैरियर इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज देयर कैन नॉट बी इमेजिन ए कम्युनिकेशन प्रोसेस विदाउट बैरियर, मतलब बिना बाधा के, बिना बैरियर के कम्युनिकेशन प्रोसेस की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए कुछ एजुकेशनल टेक्नोलॉजिस्ट का मानना है कि चार एलिमेंट के अलावा एक पांचवा एलिमेंट भी कम्युनिकेशन प्रोसेस का है, वो क्या है, बैरियर। अब ये तुम लोग आपस में विचार करना कि है कि नहीं है, ये तुम लोगों पे हम छोड़ते हैं। सो बैरियर्स, व्हाट आर द बैरियर्स, जरा इसको समझो, क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए यह जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा बैरियर को कम करते जाएं। जितना बैरियर कम्युनिकेशन में कम होगा वो उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा, वो बाद के स्लाइड में भी आएगा। लेकिन यहाँ एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन रिलेटेड, एलिमेंट कितने हुए, पांच एलिमेंट की हमने बात की, चार को ही मान ले। सेंडर, हम तुतलाते हैं, हमको ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम लोग बात कर चुके हैं टीचर क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का इनपुट है, उसका जो ज्ञान है, उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है, उसका इंटरेक्शन, उसका इंटरपर्सनल रिलेशन, ये सब टीचिंग लर्निंग को फैसिलिटेट करता है या फिर एब्रैप करता है। तो रिसीवर, अब तुम यहां हो लेकिन यहां नहीं हो,
हम लोग इनहिबिशन की बात लर्निंग थ्योरी में की, हम लोगों ने की थी. इनहिबिशन क्या होता है? अवरोध. अवरोध मतलब कि हम हैं यहाँ, कुछ तो बाहरी है, जैसे यहाँ आवाज ज्यादा हो रही है या एटमोसफेयर ठीक नहीं है, नॉइजी है, और दूसरा कि तुम भीतर से कितने प्रसन्न स्वस्थ हो, तैयार हो कि नहीं. और यहाँ फिर लॉ ऑफ रेडीनेस भी काम करता है. मतलब ये हमको बता रहा है कि कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए जरूरी है कि सीखने वाले पूरी तरह तैयार हो. और इसीलिए तुम लोगों ने कई बार क्लास में देखा होगा कि हम तुम लोगों से पूछते रहते हैं क्यों इतना उदास हो, क्या बात है, और इसको हम लोग डील करते रहते हैं. तो मैनेज करना और जो रिसीवर है उसको तैयार करना ये जरूरी है, क्योंकि ये भी बैरियर का काम करता है. मतलब उसका कुछ बैरियर तो हटाया जा सकता है, कुछ जो नहीं हटने वाला है उसकी चर्चा है. और फिर मैसेज सही ढंग से प्रिपेयर्ड है कि नहीं है, जो कहा जा रहा है वो उसी रूप में कहना चाहिए या नहीं चाहिए. और फिर प्रोसेस कि मतलब ये जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो उसमें जो मीडियम है वो ठीक है कि नहीं है, बीच में बाधा नहीं तो उपस्थित कर रहा है. और फिर डिफरेंट तरह के कम्युनिकेशन के जो बैरियर्स हैं उसको कंट्रोल करना ये भी बहुत जरूरी है. नेक्स्ट है तुम्हारा ये दीज आर दी टाइप्स अलग कैटेगरी फिजिकल. इसमें एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. फिजिकल भी आ गया, साइकोलॉजिकल की अभी हमने चर्चा की, इनहिबिशन भी साइकोलॉजिकल एक टाइप है कि अभी रिक्शा वाले से तुम झगड़ के आ गए हो लेकिन क्लास में आ गए और ऑप्टिमम टाइम नहीं मिला मैनेज करने का, तुम हो वहां कम्युनिकेशन का प्रोसेस चल रहा है, फिर वेरिएंट का काम कर रहा है ना. तुम दुखी हो, तुम इंटरेस्टेड नहीं हो, तुम मोटिवेटेड नहीं हो. और फिर कल्चरल, मान लो कि अब तुम जो भाषा बोल रहे हो लिंग्विस्टिक भी है, लिंग्विस्टिक इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कल्चर. अब मान लो कि जो चीजें यहाँ के लिए यहाँ के कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है वो दूसरे कम्युनिकेशन प्रोसेस में जहाँ का कल्चर डिफरेंट है वो बैरियर का काम कर सकता है. और फिर तुम्हारा टेक्निकल, जैसे अभी ये हम लोग अरेंजमेंट किए हैं, यदि ये फेल करेगा, अच्छा से नहीं काम करेगा तो ये टेक्निकल फॉल्ट भी हो जाएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की जरूरत है. ड्यू टू इंफॉर्मेशन ओवरलोड, हम लोगों ने क्वेश्चनिंग स्किल में भी तुमको बताया था कि डबल बैरल क्वेश्चन नहीं पूछे. ये भी बताया था कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन एक साथ नहीं देना, चीजों को सुलझाना है, उलझा के नहीं कहना है, क्योंकि एक साथ जब हम ज्यादा बात करें तो भले ही हमको संतुष्टि हो जाए कि हम बहुत अच्छा कह रहे हैं, बहुत अच्छा कर ले रहे हैं, लेकिन वो बैरियर का काम करेगा, क्योंकि जो मटेरियल एक साथ ज्यादा रस हुआ उससे उसको अंडरस्टैंड करने में कठिनाई हो. नेक्स्ट, ड्यू टू हेजी इंपैक्ट ऑफ फीडबैक. फीडबैक में हम लोगों ने देखा था कि जैसे ही कोई स्टूडेंट रेस्पॉन्स करता है उसको फीडबैक दीजिए, राइट, और फीडबैक क्लियर दीजिए, राइट है, रॉन्ग है, आपने बैठाया नहीं, आपने सही कहा या गलत कहा, उसको बताया नहीं तो फीडबैक ठीक नहीं हुआ. मतलब फीडबैक का हेजी, हेजी मतलब धुंधला, धुंधला इंपैक्ट मतलब एकदम पूरा साफ सुथरा यदि इंपैक्ट नहीं है फीडबैक मैकेनिज्म का तो वो भी बैरियर का काम करता है. सो यू हैव टू मैनेज ऑल दीज बैरियर्स इन ऑर्डर टू बी ए गुड कम्युनिकेटर एंड ए इफेक्टिव टीचर. एंड द नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन. आई हैव ऑलरेडी प्रोनाउंस्ड, रीड, एनीवन कैन रीड दिस स्लाइड, कोई एक स्लाइड इसको पढ़ो क्या क्या कह रहा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन. ए कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव, उधर घूम, हाँ पढ़ो. A communication is effective only when the message sent by the sender is received by the receiver without any distortion in the way it was expected by the sender. मतलब कि जिस भावना के साथ, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ सेंडर ने मैसेज को कम्युनिकेट किया था, यदि बिल्कुल उसी रूप में रिसीवर के द्वारा रिसीव किया जाता है तभी यह कम्युनिकेशन इफेक्टिव है. यदि कोई डिस्टॉर्शन होता है तो ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इफेक्टिव बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है. नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड परहैप्स, इट इज व्हाट आर द मेजर्स वी एज ए टीचर कैन टेक केयर ऑफ फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. नंबर वन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. क्लासरूम में यदि हम जाते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हमको कौन कौन सा एक्ट करना है और कैसे करना है. जैसे हम जब यहाँ लेक्चर डिलीवर करने के लिए आए तो हमको पता है कि हमको कितना बताना है और क्या बताना है और फिर कैसे बताना है. ये यदि पता है तो कम्युनिकेशन क्या होगा, इफेक्टिव होगा. अदरवाइज तो पता ही नहीं है तो
तो उसके एक्ट डिफाइंड नहीं है, और जब एक्ट डिफाइंड नहीं होंगे तो क्या होगा, कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट, सो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव का बिल्कुल क्लियर होना टीचर के लिए बहुत जरूरी है, और इसीलिए तुम लोगों को भी बताया गया था लेसन प्लानिंग के क्रम में कि बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स आप लोग बनाइए। मतलब यह है कि आपके पढ़ाने के फलस्वरूप छात्र छात्राओं के व्यवहार में किस तरह के परिवर्तन होंगे वो यदि आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपका जो टीचिंग का एक्ट होगा, आपका जो कम्युनिकेशन का एक्ट होगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा मीनिंगफुल होगा, आप भटकेंगे नहीं, इधर उधर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट वन इज एप्रोप्रिएट मेथड्स एंड टीच टेक्निक्स का सिलेक्शन। मतलब आप जब मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसके मेथड कौन कौन से हैं। हर चीज को लेक्चर मेथड से पढ़ाइएगा तो कंसेप्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। इंडक्टिव मेथड है, डिडक्टिव मेथड है, या फिर ये आपका डिमोस्ट्रेशन है, और लेबोरेटरी मेथड, फिर साइंस में हेरोस्टिक मेथड है, हिस्ट्री में आपका स्टोरी टेलिंग मेथड है। जैसे स्टोरी के माध्यम से आप डिफरेंट हिस्टोरिकल कंसेप्ट्स को कन्वे करते हैं। मतलब कि यदि आप राइट टेक्निक्स और मेथड्स का सिलेक्शन करते हैं तो बातें वही कहेंगे लेकिन कहने का ढंग बदल जाएगा, और इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज प्रेजेंटेशन एंड सिलेक्शन ऑफ राइट टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स। शुरू में किसी ने कम्युनिकेशन को या इफेक्टिव कम्युनिकेशन को डिफाइन करते हुए या टीचर की क्वालिटी को डिफाइन करते हुए कहा टीचिंग एड्स, टीचिंग एड्स का होना बहुत जरूरी है क्योंकि टीचिंग एड्स के माध्यम से चीजों को कहना आसान होगा। जहां ज्योमेट्री में टू डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल का कंसेप्ट है तो बिना टीचिंग एड के उसको ढंग से नहीं समझाया जा सकता। डाइजेस्टिव सिस्टम किसी को समझाना है या कोई और एग्जीक्यूटिव सिस्टम आप किसी को समझाना है तो इसके लिए क्या होगा कि चार्ट मॉडल की मदद से डिफरेंट और भी जो पॉइंट्स हैं उनको समझाना है। तो यदि हम इस्तेमाल करते हैं अप्रोप्रिएट टीचिंग एड का तो हमारा कम्युनिकेशन अपने आप इफेक्टिव हो जाता है। द नेक्स्ट वन इज इसके बारे में हम पहले चर्चा कर रहे हैं। जब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स की बात कर रहे थे तो हमने कहा कि सेंडर की पूरी तैयारी, रिसीवर का आस्पेक्ट, बैरियर्स को कंट्रोल करना, मैसेज का डेल कोडेड होना, और फिर मीडियम का बहुत ढंग से कम्युनिकेट करने के लिए तैयार होना जरूरी है, अदरवाइज कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। मतलब कि जो मैनेजिंग एवरी टाइप्स ऑफ बैरियर है, चाहे वो सेंडर रिलेटेड हो, फिजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, वो सबको यदि हम ओवरकम नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा कम्युनिकेशन उतना इफेक्टिव नहीं होगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म ऑफ इवैल्यूएशन। हम कई बार कह चुके हैं कि इवैल्यूएशन का जो पर्पस है वो बहुत लार्जर है, वो हमको एक फीडबैक भी देता है। फीडबैक देता है यह कि हम सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं, और फीडबैक देता है यह कि अधिगमकर्ता ठीक से सीख रहा है कि। तो ये फीडबैक मिल जाने से क्या होगा कि हमारा कम्युनिकेशन में यदि कहीं कोई बैरियर्स हैं या कम्युनिकेशन इफेक्टिव होने के कोई और मैकेनिज्म हो सकते हैं तो उसके लिए हमको ऑप्टिमम टाइम मिल जाता है। एंड द लास्ट वन इज रिसर्चिंग फॉर न्यू ट्रेंड्स इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, आगे भी बहुत सारी बातें कही जाएंगी, लेकिन हम एज ए टीचर, हम एज ए कम्युनिकेटर, हम एज ए क्लासरूम ट्रांजेक्टर रोज सोचते रहें इस कम्युनिकेशन को और इफेक्टिव बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। मतलब ये कि हम रिसर्च करते रहें कि कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के और क्या क्या उपाय हो सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। और एक स्लाइड से हम इंडिकेट करेंगे जो पॉइंट यहाँ मेंशन नहीं है, ध्यान से सुनिए, वह कि अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस में अपने और अपने अधिगमकर्ता के सेंस ऑर्गन्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेंस ऑर्गन्स की संख्या कितनी है, सेंस ऑर्गन की संख्या कितनी है, उस पांचों का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, कितना इफेक्टिवली कर सकते हैं, वो आप देखिए कि किस सेंस ऑर्गन का या कॉम्बिनेशन ऑफ सेंस ऑर्गन का कम्युनिकेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो इसको आगे पढ़ाओ जरा, नहीं ये वाला दूसरा जो स्लाइड खुले थे। सो मतलब यू हैव टू चैनलाइज इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यू हैव टू चैनलाइज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस डिफरेंट सेंसेस। हाउ डू वी लर्न,
कितना कितने से सीखी है, डिफरेंट रिसर्च फाइंडिंग जो है और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की किताब से आइडेंटिफाइड है। 1% थ्रू टेस्ट, मतलब हम सीखते हैं उसका हिस्सा कितना है 1%। टेस्ट कहां से, जीभ से। 1.5 थ्रू टच, 3.5 थ्रू स्मेल, तीसरा सेंसर ऑर्गन आ गया, नाक बल्ब भी आ गया ऊपर जीभ, और फिर हियरिंग 11% थ्रू हियरिंग एंड 23% थ्रू साइट, मतलब सबसे ज्यादा साइट से। लेकिन ये भी चीज दिखा रहा है कि किसी एक सेंस ऑर्गन से हम ज्यादा नहीं सीखते हैं, मतलब यदि हम डिफरेंट सेंस ऑर्गन को कंबाइन करके इंटीग्रेट करके यदि कम्युनिकेट करते हैं तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। कैसे आगे देखेंगे, ऐसे ही बीच का समय जा रहा है। हाउ वी रिमेम्बर, हम जो बातें देखते हैं सुनते हैं उसमें कौन कितना हमको याद रह जाता है और कितना भूल जाते हैं, तो याद रखने वाले को देखिए 20% ऑफ व्हाट वी हियर, सिर्फ सुनते हैं तो उसका 20% ही हम ले जाते हैं। 30% व्हाट वी सी करके देखते हैं, सो नहीं सिर्फ देखते हैं। 50% ऑफ व्हाट वी सी एंड हियर, देखते भी हैं, जैसे ये देखिए आप देख भी रहे हो और लेक्चर हो रहा है तो सुन भी रहे हैं, तो इसका क्या होगा 80% ऑफ व्हाट वी से, मतलब आप क्या कहते हो, मतलब पढ़ लेते हो और उसके बाद आप आपस में या तो इंट्रापर्सनल इंटरेक्ट करते हो, इंटरपर्सनल जो भी है उससे आप अपने को कहते हो, और 90% ऑफ व्हाट वी से एंड डू, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, जिसमें हम कहते हैं और सुनते हैं दोनों साथ साथ है, मतलब कहते हैं और करते हैं, मतलब बोलते हैं और करते हैं। एंड द नेक्स्ट ये याद रखना, आई हियर आई फॉरगेट, मतलब ये पुराना एक फिलोसफिकल या स्टेटमेंट या प्रोवर्ब समझो कि हम सुनते हैं हम भूल जाते। नेक्स्ट आई सी आई रिमेम्बर, जो देखते हैं उसको याद रखते हैं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट आई डू एंड आई डू आई अंडरस्टैंड। सो बाई नोइंग दीज फैक्ट्स रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ सेंस ऑर्गन्स फॉर द कम्युनिकेशन प्रोसेस यू कैन बी ए गुड कम्युनिकेटर, कि हमको यदि आप क्लासरूम ट्रांजेक्ट कर रहे हैं तो किन किन चीजों का कॉम्बिनेशन यदि हम रखते हैं तो ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। तो ये भी जरूरी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। अब हम समझते हैं कि हमको जितनी बातें कहनी थी कंप्लीट हो गई इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे, और निश्चित रूप से जब आप शिक्षक बनने जाएंगे यहाँ से जब डिग्री लेके जाएंगे, चूंकि आप फॉर्मल वे में आपके सारे क्लासेस खत्म हो चुके हैं, आपकी परीक्षाएं भी हो चुकी हैं, अभी एक परीक्षा प्रैक्टिकल की आपकी बाकी है इंटर्नशिप की, तो इसके बाद जब आपको डिग्री मिल जाएगी और आप स्कूल में विद्यालय में जाएंगे तो निश्चित रूप से इस लेक्चर का आप उपयोग करेंगे। इस ऑब्जेक्टिव के साथ हमने आपको आपकी विदाई एक फेयरवेल लेक्चर से की। आप लोग बहुत तरह के कार्यक्रम की बात कर रहे थे, मैंने पहले भी कहा कि उस तरह के कार्यक्रम मीट टुगेदर, कुछ खाना कुछ लुटाना, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। और मैं आपको एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि फेयरवेल यदि आपकी हो, विदाई हो, या आप कभी विदाई करें तो ऐसे ही करें, क्योंकि हम टीचर हैं, हम दूसरे तरह से विदाई करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू। अब तो लोग किसी क्लास में हम जाते हैं लेकिन उस पर्टिकुलर क्लास का हमको मतलब सफिशियंट नॉलेज नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं कि लड़कों को अगर नॉलेज ट्रांसफर नहीं तो फिर भी हम उस क्लास को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए? उस सिचुएशन में आपको अपने साइकोलॉजिकल नॉलेज का इस्तेमाल करना होगा, कि मैं देखिए हम जितने दिन क्लास में आए हैं आपने देखा होगा कि हर क्लास को पहले मैं व्यवस्थित करता हूँ, और व्यवस्थित करने के क्रम में हम आप पूछ लेते हैं, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल भी डिलीवरेशन में दिया आपको कि किसी का चेहरा यदि थोड़ा सा ये है, लग रहा है कि उदास है, पूछते क्या बात है, अभी तुम्हारी अवस्था नहीं है उदास रहने की, तो ये नहीं है कि मैं उसके लिए सिर्फ कंसर्न शो कर रहा हूँ, बल्कि उसको कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए, टीचिंग के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लर्निंग फैसिलिटेट हो, इसके लिए तैयार भी करते होते हैं, तो करना होगा। शुरू में थोड़ी कठिनाई होगी क्योंकि साइकोलॉजी में साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट का सबसे बड़ा उद्देश्य ये भी है टू नो द लर्नर,
टू डू नो द लर्नर का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि डेवलपमेंटल स्टेजेस को हम जाने, बल्कि हम जो जिस लर्नर को पढ़ा रहे हैं उनके बारे में जाने, उनके बेसिक नॉलेज के बारे में जाने, उनके लिमिटेशंस के बारे में जाने। और यदि हम ये नहीं जानते हैं तो निश्चित रूप से हम अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो संभव है कि फर्स्ट डे हमको कम्युनिकेशन में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन सेकेंड डे उससे बेहतर होगा, थर्ड डे उससे बेहतर होगा और बेहतर होता चला जाएगा। क्योंकि मैं जब यहाँ आपके विश्वविद्यालय में टीचिंग प्रोफेशन को ज्वाइन किया था विमेंस ट्रेनिंग कॉलेज में, तो उस हॉल में 325 लड़कियां थी विमेंस ट्रेनिंग कॉलेज में, उस समय ज्यादा एडमिशन होते थे, 325 लड़कियां थी और कुछ लड़कियां खिड़की पे बैठी हुई थी, एंड नो वन वेंट विथ मी टू इंट्रोड्यूस। लेकिन हमने वहां क्लास को इंट्रोड्यूस किया, अरेंज किया, पढ़ाया, कम्युनिकेट किया और फिर धीरे 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 एक बार हमने और शेयर किया है आपसे कि शुरू के दिनों में जब मैंने टीचिंग प्रोफेशन राजस्थान यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया तो उस समय हर क्लास से 10-12 स्टूडेंट को निकाल देते थे। एक आदमी ने हमको, एक टीचर सीनियर थे, उन्होंने कहा कि ये सबको निकाल दोगे तो पढ़ाओगे किसको। मैंने पूछा कि उपाय क्या है, उन्होंने उपाय बताया कि हाल समाचार पूछो, उससे उस सब्जेक्ट के बारे में पूछो, कुछ इंटरेक्ट करो, कुछ कंसर्न दिखाओ। तो दीज आर दी वेज यू विल एडॉप्ट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो इसमें समय लगेगा। और कोई प्रश्न किसी का? सर, इफेक्टिव टीचिंग के लिए और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को संपन्न करने के लिए एक टीचर का मनोबल कितना हद तक निर्भर करता है? क्योंकि अगर एक सोशल साइंस का टीचर है और एक साइंस का टीचर है, क्योंकि हम भी इंटर्नशिप में 4 महीने स्कूल में पढ़ाए, तो उसमें अगर एक साइंस के टीचर इस क्लासरूम में है तो स्टूडेंट शांत रह करके ब्लैक बोर्ड की तरफ, गुड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। लेकिन अगर एक सोशल साइंस के टीचर हैं वो अगर बता रहे हैं तो स्टूडेंट हल्ले करने लगते हैं। तो मनोबल किस तरह ऊंचा किया जा सकता है और इसका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बढ़िया से? देखो, मनोबल और एटीट्यूड का लर्निंग से सीधा रिलेशन है। न हमारा मनोबल, मतलब हमारा से अभिप्राय टीचर से है, और न अधिगमकर्ता का मनोबल गिरा हो। मनोबल तो उठाना हो, क्योंकि वो दैट इज ए टाइप ऑफ मोटिवेशन। दूसरा, तुमने कहा कि कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है। देखो, हमने बहुत बड़ा क्वेश्चनिंग स्किल को पढ़ाते समय, तुम लोगों को भी याद होगा, अब तो उसको यूट्यूब पे भी किसी ने डाल दिया है, तो देखोगे कि हमने एक टिप्स दिया था कि अच्छा शिक्षण का मतलब क्या है। अच्छे शिक्षण का मतलब है जिसमें छात्रों की सहभागिता अधिकतम हो, और छात्रों की सहभागिता अधिकतम करने का हमारे पास दूसरा कोई उपाय इस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के एज में भी नहीं है, सिवाय इसके कि हम प्रश्नों की संख्या बढ़ा दें। तो सोशल साइंस में प्रश्नों की संख्या तो बढ़ाई जा सकती है, और जब छोटे बच्चे होंगे, डेवलपमेंटल स्टेजेस को तुमने पढ़ा है चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप पेपर में, तो उसमें क्या है कि तुमको जानना पड़ेगा कि छोटे बच्चे को पढ़ाना और कठिन है, और यदि लेक्चर मेथड से उसको हम पढ़ाएंगे, लगातार इन्फॉर्मेशन रस करते रहेंगे, तब तो घबरा जाएगा, वो सो जाएगा और पढ़ेगा नहीं। मतलब प्रश्नों के माध्यम से हम उसको या इन्फॉर्मेशन को, जैसे मान लो कि अब भारतीय संविधान की हम विशेषता पढ़ा रहे हैं, हम क्यों बकेंगे? एक छोटा सा ऐसा ही कुछ बना के ले आएंगे, चार्ट बना के ले आएंगे, स्टूडेंट को कहेंगे तुम पढ़ो, और तब एक्सप्लेन करेंगे, तो उनका पार्टिसिपेशन भी हो जाएगा और फिर तुम्हारी टीचिंग भी हो जाएगी, इंस्टीट्यूट की तुम सारी विशेषता खुद गिनाते चले जाओ। तो दीज आर दी टिप्स कि उससे तुम्हारा भी मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि छात्र का मनोबल तो बढ़ना जरूरी है ही, टीचर के मनोबल का छात्र के चेहरे से सीधा संबंध है। मतलब छात्र के चेहरे पर यदि 12 बज रहा है तो टीचर का मनोबल तो वैसे ही अपने आप ढीला हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि मनोबल को ऊंचा करिए, और ऊंचा करने के यही सब तरीके हैं, क्योंकि लंबा इंफॉर्मेशन रस नहीं कीजिए, जिसको हमने यहाँ नाम भी दिया कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड। एक बार यदि दबा के इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा तो क्या होगा कि उसका मनोबल भी गिरेगा और उसका कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन भी इफेक्टिव नहीं। एनी मोर क्वेश्चन? एक इंक्लूसिव स्कूल में जहाँ डिफरेंट स्पेशल नीड्स के बच्चे रहते हैं, वहाँ पर एक ही तरह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन किस प्रकार? देखो, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के जो ये सब उपाय हो तो करने ही है, लेकिन जब तुम इंक्लूसिव क्लासरूम को भी लोगे, तो मान लो कि एनपीसी को हम कंसीडर करते हैं, या ये मानते हैं कि मिडिल जो लोग होते हैं वो 60% होते हैं, या और यदि एनपीसी को मारे तो 68.26% होते हैं। मतलब कि हमको अपनी टीचिंग का फोकस कहाँ रखना है? मिडिल पे, एवरेज पे।
और बाकी कुछ इनके लिए भी मैकेनिज्म देना है, कुछ राइटर के लिए कुछ पुअर के लिए, लेकिन फोकस वही रहेगा। तो इंक्लूसिव टीचिंग वही होगी जो मिडिल को मान के किया है। बाकी चीजें तो हम कर नहीं सकते हैं, उनका बैकग्राउंड सुधार नहीं सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम एज एक शिक्षक के रूप में इतना कर सकते हैं कि उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को मतलब भी ध्यान में रखें। और एक चीज हमने तुमको बताया कि जब हम प्रश्न के माध्यम से पढ़ाते हैं तो प्रश्न पूछने के क्रम में और उसके जवाब को प्राप्त करने के माध्यम से वो ऐसे कमजोर छात्रों को भी पढ़ा पाते हैं, इंफॉर्मेशन दे पाते हैं जो उस इंफॉर्मेशन से परिचित नहीं थे। और जब उस इंफॉर्मेशन से वो पहले परिचित नहीं थे, तुम्हारे क्लास में हो जाते हैं तो तुम्हारी आधी जीत तो हो ही जाती है, और फिर वही धीरे 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 बढ़ते बढ़ते वो भी मेन स्ट्रीम में धीरे धीरे चले जाए। और ब्राइटर्स के लिए थोड़ा सा तुमको कुछ ब्राइटर क्वेश्चन जो है, जो पिकुलियर टाइप के क्वेश्चन है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया हायर ऑर्डर क्वेश्चन, और फिर एनालिसिस सिंथेसिस और फिर इवैल्यूएशन के क्वेश्चन की बात की, वो ब्राइटर स्टूडेंट को यदि हम देते रहेंगे तो भी मैनेज। वो क्लासरूम में दिया गया क्या हायर ऑर्डर क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन चूंकि हम लोगों ने जब स्ट्रक्चरिंग क्लासरूम क्वेश्चन की बात की थी तो ये बताया था कि ये क्लासरूम के ही क्वेश्चन की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो प्रश्न ऐसे ही बनाने हैं हायर ऑर्डर के जो क्लासरूम में पूछे जा सके, वो क्लासरूम से बाहर उसकी कल्पना नहीं है। ठीक है, और कोई प्रश्न? आजकल हम लोग देखते हैं कि जो स्कूल के छात्र हैं उनमें सोशल साइंस के प्रति जो रुचि है थोड़ा कम हो गया है, तो हम लोग को क्या तरीका अपनाना चाहिए, कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए कि लोग इसका इंटरेस्ट उसमें क्रिएट किया जा सके? देखो अभी बताया भी कि एक तो पढ़ाने में हम लोग ज्यादा से टीचिंग एड का इस्तेमाल करें, जो बातें हमको कहनी है उसको छात्र के माध्यम से कहें। अभी हमने एक एग्जाम्पल दिया था ना भारतीय संविधान, अब मान लो कि फैक्ट्स है, इवेंट्स है, हम क्यों कहेंगे कि ये तीन तरह के युद्ध हुए हैं, इनका ये परिणाम हुआ? यदि हम इंफॉर्मेशन किसी रूप में रखते हैं और स्टूडेंट के मदद की मदद से उनको ज्यादा शामिल करते हैं। दूसरी बात कि डिलीबरेशन में जनरली क्या होता है कि हम लोग बुकिस हो जाते हैं, जैसे हमने बताया था इस जब लेसन प्लानिंग की बात कर रहे थे कि जब हमको स्टूडेंट को समझाना है कि वोट कैसे होता है तो उनको वहां के बैकग्राउंड से लेना होगा कि क्या तुमने वोट दिया है, तुम वोट क्यों नहीं देते हो, वोट कौन कौन लोग देते हैं। और इसके माध्यम से हम उनको कहते हैं कि 18 साल या जो एडल्ट फ्रेंचाइजी का ये टाइम है उसको उन्होंने अटेन नहीं किया है इसलिए वो वोट नहीं देते हैं, तो उनके बैकग्राउंड में जाना होगा। दूसरी बात, जब हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो ये हमारा बहुत लिमिटेशंस रह जाता है, हम प्रिपेयर नहीं होते हैं एज ए हिस्ट्री टीचर कि हम कालगत परिस्थितियों के माध्यम से प्रश्नों की संख्या बढ़ावे। हम लोग करते क्या है, सिर्फ इंफॉर्मेशन रश करते हैं। yes, तो जब आप इंफॉर्मेशन रश कर रहे हैं तो स्टूडेंट तो उतना देर होगा नहीं, आप ही को यदि बिना पार्टिसिपेशन के बिना प्रश्न के माध्यम से इवन ओरिएंटेशन रिफ्रेशर के क्लासेस में हमने देखा है कि स्टूडेंट जो वहाँ टीचर है वो लोग उगने लगते हैं, और सब्जेक्ट्स के की टीचिंग को भी इफेक्टिव बना सकते हैं और स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बिना स्टूडेंट के इन्वॉल्वमेंट का कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। हम समझते हैं कि अब तुम लोगों का प्रश्न हो गया होगा। यस सर, बेस्ट ऑफ लक।